आंध्र प्रदेश के लिए 4 जून का दिन बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि इस दिन लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आए। लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, टीडीपी ने कमाल कर दिया। कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी की आंधी चल रही है, इसीलिए आज बात करेंगे आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, क्योंकि आंध्र प्रदेश में टीडीपी की आंधी चल रही है। और बात करेंगे कि पवन कल्याण की जेएनपी को 100% सफलता कैसे मिली है। बात करेंगे डिप्टी सीएम सुपरस्टार पवन कल्याण बनेंगे या और YSRCP को इस राज्य में हार का सामना क्यों करना पड़ा। और यह है विधानसभा चुनाव के नतीजों का जो अभी चल रहा है। अभी पूरी तरीके से जीत सामने नहीं आई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि टीडीपी 134 सीटों पर आगे है, जबकि टीडीपी ने 144 सीटों पर ही यहाँ पर चुनाव लड़ा था, क्योंकि 175 कुल सीटें हैं आंध्र प्रदेश में, जहाँ टीडीपी ने 144, बीजेपी ने 10 और जेएनपी ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था। और ये बड़ी जीत इसीलिए हो जाती है 100% मतदान की, जब हम आपको वो बात बता रहे हैं सफलता की जेएनपी के लिए, पवन कल्याण के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश चुनाव का, ये विधानसभा चुनाव का पूरा ग्राफ है, जिसमें टीडीपी 134 सीटों पर आगे है। ये थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से चुनाव के नतीजे सामने नहीं आए हैं, लेकिन अभी तक के हिसाब से टीडीपी ही सबसे बड़ी पार्टी और इसी की सरकार बनती दिख रही है। टीडीपी हालांकि 144 सीटों पर यहां चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि एनडीए गठबंधन में है। इसके साथ बीजेपी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, साथ ही साथ जेएनपी ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा। तो इसीलिए जो हमने आपको पहले बोला कि क्या पवन कल्याण की जो पार्टी है जेएनपी, उनको 100% सफलता कैसे मिली, इसी से मिली, क्योंकि उन्होंने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और 21 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। तो जीत लगभग तय है, उनके घर में जश्न का माहौल है, उनके घर में उनकी पत्नी हो, उनके घर के रिश्तेदार हो, सभी उनको बधाइयां दे रहे हैं, और ये उनके लिए बड़ी जीत और इसीलिए उनको डिप्टी सीएम बनाने की बात सामने आ रही है। बीजेपी 8 सीटों पर आगे चल रही है, 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और YSRCP बड़ा झटका लगा है इनको, जबकि 5 साल से इनकी सत्ता थी। जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री है, 12 सीटों पर अटक गए, जबकि अगर आप देखेंगे 2000 इससे पहले का अगर विधानसभा चुनाव देखेंगे 2019 में, तो YSRCP को 151 सीटें मिली थी, मतलब कितनी ज्यादा सीटें उनको उस वक्त मिली थी 175 में, और उसके बाद इस बार ये औंधे मुंह जमीन पर गिर गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर है इसीलिए, और इसमें कुल आंकड़े अगर आपको दिखाएंगे टीडीपी में 86 तो जीत गए हैं, मतलब रिजल्ट की भी बात करेंगे तो 86 जीत चुके हैं, 48 अभी लीडिंग में हैं, और 17 जेएनपी के जीत चुके हैं, यानी कि लगभग जीत पक्की है, और 4 अभी लीडिंग पे हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी के 5 जीत चुके हैं, 3 लीडिंग पे हैं, वही YSRCP के 3 जीत चुके हैं और 9 इनके लीडिंग पर है। तो कुल मिलाकर यह आंकड़ा जाता है कि विधानसभा चुनाव में ये सब क्या आपने देखा कि किस तरीके के आंकड़े आंध्र प्रदेश में देखने को मिले, और इसीलिए टीडीपी की आंधी यहां पर निश्चित तौर पर आई है, क्योंकि कुल मिलाकर जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी टीडीपी आगे चल रही है। टीडीपी को सबसे ज्यादा सीट्स मिली है, कहां टीडीपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार ये गेम पूरा पलट गया है। हालांकि अब बात करेंगे कि आखिरकार जगन मोहन रेड्डी को इतनी बुरी हार क्यों मिली। राजनीति के जानकारों की माने तो एक साल तक आंध्र में सब कुछ जगन मोहन रेड्डी के पक्ष में था, जनता में भी उनकी काफी लोकप्रियता थी, लेकिन पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। इससे जनता में नायडू को लेकर जबरदस्त सहानुभूति पैदा हुई और उसका सीधा असर चुनाव में दिखा। पिछले साल जब चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद पवन कल्याण ने उनसे मुलाकात की, उससे पूरा मोमेंटम बदल गया। जगन मोहन रेड्डी ने जो कुछ भी किया सब उनके खिलाफ गया। जगन मोहन रेड्डी ने कई उम्मीदवारों के टिकट काटे, जिस कारण पार्टी के कई बड़े नेता YSR से अलग होकर टीडीपी में चले गए। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू 1995 से 2004 तक संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू 2014 में आंध्र के विभाजन के बाद शेष आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। हालांकि 5 साल पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में YSRCP ने सूबे की सत्ता हासिल की थी और टीडीपी की अपमानजनक हार हुई थी, और इसीलिए कह सकते हैं कि टीडीपी ने इस बार अपना बदला पूरा कर लिया है। बात करें पवन कल्याण की तो वो खुद पीतमपुरा सीट से चुनावी मैदान में थे और उन्होंने 70,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। वही चंद्रबाबू नायडू भी अपनी सीट कुप्पम से लगातार आगे चल रहे हैं और जल्द ही ये तय हो गया है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, आंध्र प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बनेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।